माया अनेक रूप होती है और माया का आश्रय एक रूप होता है। उस आश्रय की पहचान क्या है कि माया के अनेक रूप होते हुए भी वो एक रूप ही रहता है। औरत बन गया, मर्द बन गया, नट जो है नाटक में भाई बहन भी पति पत्नी बन के आता है, पति पत्नी भी भाई बहन का नाटक करती है। हमने चाचा भतीजे को देखा कि चाचा बेटा बना हुआ है और भतीजा बाप बना हुआ है। ये नाटक का खेल ऐसे है। तो माया और माया का अधिष्ठान, अधिष्ठान माने जिस पर कल्पना की गई है माया की, स्थान माने तो रहने की जगह, स्थान अधिष्ठान में एक हिस्सा तो स्थान का है, अधिष्ठान में स्थान है और अधि माने ऊपर होता है। तो एक के ऊपर जब दूसरी चीज जमा दी जाए तो उसका नाम अधिष्ठान होता है। तो उसका रूप क्या होता है कि रोकी हुई, जो आरोपी हुई, थोपी हुई जो चीज होती है ऊपर, उसकी उम्र कम होती है। अधिष्ठान पहले से रहता है, उसका बाद में आरोप होता है और आरोप का अपवाद हो जाता है, अधिष्ठान ज्यों का त्यों बना रहता है। आरोपित वस्तु के पहले भी अधिष्ठान, पीछे भी अधिष्ठान और अधिक स्थान। अधिष्ठान माने अधिक स्थान, स्थान माने रहना, अधिक रहना। रस्सी पहले है, उसमें किसी ने सांप मान लिया बाद में, किसी ने उसको माला मान लिया बाद में, किसी ने उसको डंडा मान लिया बाद में, किसी ने उसको दरार धरती की मान लिया बाद में, और रस्सी ज्यों की त्यों बनी रही। वे आपस में लड़े कि माला है कि डंडा है कि धारा है कि सांप है कि माला है। जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सारे झगड़े कट गए। रस्सी ज्यों की त्यों पहले भी थी, अब भी है, और बीच में जो उसके बारे में स्थान काल की दृष्टि से भी बड़ा है और देश की दृष्टि से भी बड़ा है और वस्तु की दृष्टि से भी बड़ा है।
अधिक स्थान अधिष्ठान अति ऊपर स्थान अधिष्ठान रस्सी ज्यो की त्यों उसमें सांप माला शराब गंगा ये सब बाद में कल्पित हुए और कल्पना का अपवाद हो जाने पर भी अधिष्ठान ज्यों करते हैं। तो जितने भी कल्पित पदार्थ होते हैं उनका अधिष्ठान अकल्पित सत्य होता है, अकल्पित सत्य जिसकी कल्पना नहीं होती है। आपको सुनाया ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर ये कहाँ से शुरू होते हैं आप बताओ। पूर्व कहाँ से शुरू होता है, किस चीज से शुरू होता है, इस चीज के बाद शुरू होता है। उत्तर दक्षिण कहाँ शुरू होता है, तो जहाँ आप अपने मैं को जमा दोगे वहीं से शुरू होगा। पहले पीछे भी वहीं से शुरू होगा, बाद में क्रम का बोध जो है ना वो काल है, क्रम का बोध एक के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ख के बाद पहले ख पीछे का ये काल का बोध है। तो ये कहाँ से काल कहाँ से शुरू होता है, तो जहाँ मैं है देश कहाँ से शुरू होता है, जहाँ मैं ये आप बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम अनुभव कर सकते हैं। स्थान का और समय का प्रारंभ वहां से होता है जहां मैं, अर्थात दूसरे का प्रारंभ कहां से होता है ये दूसरा है, ये पराया है, इस पर है, इसका प्रारंभ कहां से होता है। तो जैसे हम बैठे हैं तो कट्ठे का नीचे नीचे निचला हिस्सा नीचे हो गया, छत ऊपर हो गई और छत के ऊपर जो बैठा है उसके लिए छत नीचे है और निचले मंजिल में जो बैठा है उसके लिए ये ऊपर। तो ये ऊपर नीचे का कोई वास्तविक विभाग नहीं होता है, कल्पित विभाग होता है। दाहिने बाएं का कोई विभाग वास्तविक नहीं होता है, कल्पित होता है। बाहर भीतर का कोई वास्तविक विभाग नहीं होता है, कल्पित होता है। और ये दूसरा है जहां पे देश काल प्रारंभ होते हैं वहीं से दूसरा भी प्रारंभ होता है। ये चीज हमारे सामने है, ये चीज हमारे पहले है, ये चीज हमसे बाहर है, ये मैं जो है ये सबका केंद्र बिंदु है। ये वो बिंदु है जहां पे सारी रेखाएं कल्पित होते हैं। अब देखो तो इस प्रपंच की उत्पत्ति कहां से होती है। प्रपंच माने संस्कृत भाषा में विस्तार होता है, जैसे सिंह को पंचानन बोलते हैं उसका पांच मुंह नहीं होता है, बड़ा भारी फैला हुआ है। सिंह का नाम पंचानन पर उसका अर्थ फैला हुआ मुंह, पांच मुंह शेर के नहीं होते। शंकर जी को बोलते हैं तो पंचानन का अर्थ पांच ही होता है, और जब सिंह का नाम पंचानन है तो पांच मुंह नहीं होता। तो पंच माने होता है चारों ओर फैला हुआ, मैं का घेरा बनाने वाला ये प्रपंच है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, देखो आपने श्रुति पढ़ी, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। उससे आकाश की उत्पत्ति हुई या इससे आकाश की उत्पत्ति हुई, तो वहां आत्मनः शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मा माने प्रत्येगात्मा कहो या परमात्मा कहो,
परंतु चेतन से ही देश काल वस्तु का विस्तार ज्ञात हुआ। यदि मूल में ये चेतन आत्मा न होता तो न पूर्व मालूम पड़ता, न पश्चिम मालूम पड़ता, न ऊपर न नीचे, न पहले और न पीछे क्रम भी मालूम नहीं पड़ता और विस्तार भी शरीर के विस्तार भी मालूम नहीं पड़ता और अपना पराये का भेद भी नहीं होता। तो सारी सृष्टि की प्रतीति का मूल जो है वो चेतन आत्मा है। आपको उसको अपना आपा करने में डर लगता हो तो वह कहिए, है ना? और वह कहने में कुछ परायापन मालूम पड़े आपको तो उसको आपा बोलिए, अपना आपा बोलिए, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब एक बात देखो, चेतन की जो परिभाषा है उसकी जो पहचान है लक्षण है दूसरे से उसको अलग करते हैं, सजातीय विजातीय से पृथक, दोनों से पृथक कर दे सबको लक्षण है और केवल सजातीय से पृथक करे तो विशेषण है। ये इसकी मर्यादा है। रक्त कमल, नील कमल, पीत कमल, रक्त पीत नील सजातीय कमलों से पृथक करने के लिए है और लक्षण जो होता है वो सजातीय विजातीय सबसे पृथक करके और कमल के कमलत्व की स्थापना करता है। अब देखो आप, तो आत्मा की जो पहचान है वो है चेतन होना। यदि कोई कहे कि आत्मा जड़ है तो जड़ता का ज्ञान भी चेतन को ही होगा, इसलिए जड़ता कल्पित होगी, चेतनता की अकल्पित होगी। माने ये किसी की कल्पना नहीं है, संपूर्ण कल्पनाओं का आधार ये चेतन है। अब चेतन और जड़ के बारे में थोड़ी सी उनकी पहचान देखो। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसका नाम होता है जड़, और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसका नाम होता है चेतन। ये जो कहते हैं कि सेंद्रियत्व चेतन का लक्षण है वो वेदांत में मान्य नहीं है। माने जिसमें इंद्रिय हो, आंख बनी हो, कान बना हो, नाक बनी हो, जीभ बनी हो, उसका नाम चेतन है। कहने इन औजारों के द्वारा जानने वाला जो है वो चेतन है। कि आंख कान नाक तो औजार हैं और जानना, इन औजारों का होना, इनका न होना, इनका अधूरापन, इनकी पूर्णता, मान्य मान्य पटोत्व, सबको जो देखता है और इनके अभाव को भी देखता है वो चेतन होता है। अब ये जो चेतन है उसको श्रुति समझाती है, इस चेतन को जो तुम घेरे में मानते हो खंड खंड, तो खंड तुम कैसे मानते हो? काल खंड खंड होने से आत्मा खंड खंड है, तो काल का तो साक्षी है, काल के खंड होने से आत्मा में खंड खंड नहीं होगा। काल उत्सव साध हो, उम्र हमारी हो, कोटि कलप ब्रह्मा है, दस कोटि कन्हाई हो, छप्पन कोटि जादव है, मेरी एक सलाई है, एक लोमन ऋषि थे उनके सामने कितने राम हुए, कितने रामावतार हुए, सात कुसुंडी थे उनके सामने कितने रामावतार हुए, ये भगवान है। तो आत्मा में एक तो काल ही कल्पित, फिर उसमें टुकड़े कल्पित, काल का अधिष्ठान आत्मा चेतन है, तो अधिष्ठान से अभिन्न है काल, और उसमें जो खंड खंड है वो कल्पित हैं,
तो कल्पित जो काल खंड है वो अखंड आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकते। अच्छा देश अखंड है तो आत्मा की अखंडता उसमें साथ रही है, अखंड तो आत्मा है। और यदि देश खंड खंड है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रूप है, तो खंडता कल्पित है, अतएव अकल्पित आत्मा में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आखिर आत्मा टुकड़ा हुआ तो कैसे, जन्म अलग अलग हुआ तो शरीर का जन्म अलग अलग हुआ, मौत अलग अलग हुई तो शरीर की मौत हुई, आत्मा का तो न जन्म हुआ न मृत्यु। यदि आत्मा का जन्म हुआ तो जन्म के पहले आत्मा था कि नहीं था? यदि जन्म होने पर आत्मा हुआ तब तो वो जड़ता का विकार हुआ, चेतन हुआ ही नहीं। और यदि आत्मा मर गया है तो उसके मरने को जाना किसने, और उस मरने को जो जानता है उसका नाम आत्मा होता है। जन्म के पहले भी आत्मा, मरने के बाद भी आत्मा, जन्म मरण तो शरीर का हुआ। अरे बाप, अच्छा यदि देश में एक टुकड़ा है आत्मा तो वो जाता है और आता है, और देश के अंदर जो गमनागमन है वो देश की कल्पना के अधिष्ठान पर लागू नहीं होता, देश की कल्पना के प्रकाशक पर लागू नहीं होता। जिस रोशनी में ऊपर नीचे दाएं बाएं मालूम पड़ता है उसमें वो रोशनी चलती नहीं है, वो तो स्थिर रहते ही उसको प्रकाशित करते हैं। देखो दूसरी चीजें आती हैं जाती हैं, घटा पटा, ये खड़ा है, कपड़ा है, मेज है, कुर्सी है, ये पुरुष है, स्त्री है, ये सब चीजें आती जाती हैं। और जानना एक है, वो विषय पृथक पृथक होते हैं, प्रकाश पृथक पृथक नहीं होता। अब आप कल्पना कर लो कि सकल बनी और बिगड़ गई, देखने वाला एक, सकल रही न रही, देखने वाला एक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ा और नहीं पड़ा। अरे गाजीपुर है हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां जज की जो कचहरी है उसके सामने जाते ही हमारा विक्रम और सत भरत कथा जब से वहां जाता था, वो वही बचपन वाला जो बाधितानुवृत्ति है वो ज्यो की त्यों होती है। वो ऐसे तो ये सब क्या है, तो ये जो चेतन है ये है मूल आधार, मूल अधिष्ठान, मूल प्रकाश। और ये जन्म मरण सबका अलग अलग हो तभी चेतन अलग अलग नहीं होता, सबके कारण अलग अलग है, जन्म अलग मरण अलग, पर चेतन का जन्म जन्म न मरण, और ये आँख कान नाक सबके अलग अलग, लेकिन आँख कान नाक के अलग होने से चेतन कैसे अलग होगा? उपाधि के पृथक होने से उपाधि का अधिष्ठान, उपाधि का प्रकाशक, उपहित, उपाधि विशिष्ट भी अलग अलग नहीं होता, न विशिष्ट अलग होता, न उपहित अलग होता, न अधिष्ठान अलग होता, न प्रकाश अलग होता, एक ही है। अच्छा सबकी प्रवृत्ति वासना शक्ति अलग अलग होती है, सबके अंतःकरण अलग अलग होते हैं, सबके सुख दुख अलग अलग होते हैं, और वो सुख दुख अलग होते हैं, चेतन नहीं। वो अंतःकरण अलग अलग होते हैं, चेतन नहीं। वो इंद्रियां अलग अलग होती हैं, चेतन नहीं। वो इंद्रियों से मालूम पड़ने वाले विषय अलग अलग होते हैं, चेतन नहीं। कोई भी बाहर से छोपी हुई वस्तु, आरोपित वस्तु, आपकी आंख से मालूम पड़ने वाली लीलिमा आकाश को रंग नहीं सकते, आपके भ्रम से भाषित होने वाला साफ रज्जु को
रस्सी को जहरीली नहीं बना सकता। आपको मालूम पड़ने वाली फूल की माला रस्सी में कोमलता पैदा नहीं कर सकता। तो हमारे साथ जुड़ी हुई जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां सुनते हैं कि ये पहले राज बहादुर, राजा बहादुर, महामहोपाध्याय की शक्ति जब अंग्रेज लोग देते थे ना किसी, तो नाराज होते थे तो छीन लेते थे वो, और उपाधि वाले लोग जब नाराज होते थे तो स्वतंत्रता के जमाने में हमारे कई पंडितों ने हो महामहोपाध्याय पदवी का परित्याग कर दिया। वो तो उपाधि बाहर से फूटी हुई थी, बाहर से फोकी हुई थी, फोकी हुई थी, आरोपित थी, बाहर से आई चली गई। ये जो हम लोग अपने स्वरूप पर, चेतनता पर, जो देश काल के टुकड़े और वस्तु के टुकड़े अपने ऊपर जोड़ के अपने आप को भी टुकड़ा बना लेते हैं, वो एक अध्यारोप बोलते हैं इसको शास्त्र। अधि माने ऊपर, आरोप माने ठोक लेना, अधि अन्य से ऊपर, अन्य से आरोप अध्यारोप, एक के ऊपर दूसरे को आरोपित कर देना, इसका नाम अध्यारोप है। तो ये दो तरह का होता है, एक अशास्त्रीय और एक शास्त्रीय। अशास्त्रीय आरोप जो होता है वो बंधन का हेतु होता है, और जो शास्त्रीय आरोप होता है वो मुक्ति का साधन होता है। शास्त्रीय आरोप मुक्ति का साधन है और अशास्त्रीय आरोप बंधन का कारण है। अज्ञान अतस्मित सद्बुद्धि, जो चीज नहीं है उसको वो चीज मान बैठना, उसका नाम अभ्यास है। अध्यक्ष से खपुष्पत्व अत कथम अवस्तु प्रज्ञात गुण सत्ताकम अध्यारोपित वा नवा। तो अब देखो कि आपने अपने ऊपर क्या क्या आरोप किया। तो बोले जी, श्रुति तो कहती है कि जो तत् है वो थोड़ा, और कल कोई चलने की नियम ये है इसका कि दो पदार्थ जब होते हैं तो सामानाधिकरण उनमें नहीं होता है। जैसे कोई कहे घड़ा कपड़ा है और कपड़ा घड़ा है, तो कपड़ा घड़ा नहीं है, घड़ा कपड़ा नहीं है, घड़ा कपड़ा है, ये बात के निरर्थक हो गया है, क्योंकि ऐसा होना शक्य ही नहीं है कि घड़ा कपड़ा हो, मेज कुर्सी है, ये इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ, कुर्सी मेज है, इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ। चीज दो है और वाक्य तुम्हारा उनको एक बताता है, तो अगर बोलने वाला है ना, श्रुति है, शास्त्र है, महात्मा है, तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई इनके मन में कोई अभिप्राय होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो इनका अभिप्राय क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध बोल रहे हैं कि खड़ा कपड़ा है, मेज कुर्सी है, कुर्सी मेज है, मेज कुर्सी है, एकदम प्रत्यक्ष के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो इनका कुछ अभिप्राय है क्या। तो जहाँ तात्पर्यानुपपत्ति होती है वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है, इसका नाम लक्षणा होता है। अन्वयानुपपत्ति तात्पर्यानुपपत्ति जहाँ होती है, मन बच्चा का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आया और घटा पता सामानाधिकरण होने पर भी अनन्वित है, इनका अन्वय नहीं है, तो क्या बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है ये समझना पड़ता है। तो श्रुति में उपक्रांत है, माने प्रारंभ किया हुआ है, शुरू में ये बात कही गई है
कि सदैव सौम्य एवं अग्रे आग्रे। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो दुनिया दिख रही है, ये पहले अव्याकृत दशा में जिसमें नाम और रूप का व्याकरण नहीं हुआ था, विशिष्ट आकृति का संपादन नहीं हुआ था, नाम रूपे व्याकरण के पूर्व नाम का भी व्याकरण होता है, रूप का भी व्याकरण होता है। तो रूप का व्याकरण सांख्य है, प्रकृति महान महतो अहंकार अहंकारा संतरा, ये रूप का व्याकरण है, माने किसके बाद क्या। और नाम का व्याकरण होता है रामा रामो रामा, है ना, ये जैसे बोलते हैं ना व्याकरण में, एक वचन बहुवचन द्विवचन, एक धातु से, एक धातु से दो लाख, एक भू धातु से दो लाख रूप बना के रिसाव लगा के बनाते हैं, ऐसे होते ये व्याकरण हो गया। उसका व्याकरण माने विशिष्ट विशिष्ट आकार प्रदान करना, विशिष्ट विशिष्ट आकार प्रदान करने का जो करण है, औजार है, उसको व्याकरण बोलते हैं। रूप का व्याकरण, नाम का व्याकरण, सबका हिसाब होता है, रूप के व्याकरण का भी हिसाब होता है, सब हिसाब से। अब ये कहते हैं कि जब नाम रूप प्रकट नहीं हुए थे, तब नाम रूप की कल्पना से रहित एक सत था, मेरे प्यारे दोस्त उसको समझो। अब फिर बोलते हैं सत सत स्वम सत्य, वो नाम रूप की उत्पत्ति के पूर्व जो देश काल वस्तु के विभाग से शून्य, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, जो मूलभूत सत्ता जो अधिष्ठान है, वो दूसरा कुछ नहीं है, जो स्वयं काल को ही नहीं भेदा, काल ही किए काल से रहा। अरे तो तस्माद हुआ एक अस्माद, ये क्या हुआ, ये तो महाराज श्रुति भी आ गई, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, सब लोग हमारे जानते हैं, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, आगे से वर्णन समझा, तमेव विदित्वा, वेदा हमेतम पुरुषम तमेव विदित्वा, एतम तम तम एतम, जो वह है तो यह है, जो यह है तो वह है, तस्मादवा ए तस्माद आत्मनः, सृष्टि का कारण कौन है, वह की यह है, बोले जो वह है तो यह है, यदि वह सत यह नहीं होगा तो यह आत्मा क्षणिक हो जाएगी, ज्ञान क्षणिक हो जाएगा, विषय की क्षणिकता का ज्ञान पर आरोप हो करके ज्ञान की क्षणिकता भासने लगेगी। ये महाराज ज्ञान जो काल का प्रकाशक है, वो काल के अंदर आकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये सत है, माने अविनाशी है, एक रत है, तो वो सत भाई अलग ही होगा, अलग होगा तो जड़ ही होगा, आत्मा नहीं होगा। जो प्रत्येक आत्मा से, अपने आत्मा से जो चीज अलग होगी, वो दृश्य होगी, दृश्य अपने जड़ का लक्षण है, और दृष्टरेत्व चेतन का लक्षण है, दृष्टा को चेतन कहते हैं, दृश्य को जड़ कहते हैं, यदि सब हमसे अलग है तो जड़ है, और यदि हम सब से अलग है तो हम क्षणिक हैं, सत नहीं है, असत है, विनाशी, विनाशक, अपने विनाश का किसी को अनुभव नहीं हो सकता, ये अनुभव की कक्षा में ये सर्वथा प्रतिषिद्ध है कि कोई अपने विनाश का अनुभव करे, जो विनाश का अनुभव करेगा वही वही रहेगा। तो तस्माद वा ए तस्माद, उससे सृष्टि हुई कि इससे सृष्टि हुई, बोले बाबा यदि वह और ये दोनों अलग अलग होते तब तो प्रश्न बनता, जब वह और यह दोनों एक ही है तो प्रश्न कहाँ, स्वप्न में आकाश बनता है, हवा चलती है, आग लगती है, बाढ़ आती है, मकान बनते हैं,
किससे बनते हैं? एक इसी से बनते हैं। जागृत में सब बड़ा दिखाई पड़ रहा है, किससे दिखाई पड़ रहा है? तपस्मात उस परमेश्वर से दिखाई पड़ रहा है। इधर बैठ के देख रहा है, उधर बैठ के दिखा रहा है। एक उपाधि से देख रहा है, दूसरी उपाधि से दिखा रहा है। और देखना मात्र जो है, व्यक्ति मात्र, ज्ञान मात्र, दृढ़ मात्र, वो जो यहाँ है वही वहाँ है। तो माया अनेकता में माया अनुगत है, और एकता में सत्य परमात्मा अनुगत है। सत्य परमात्मा सत्य है, ईश्वर की दृष्टि से देखो तो माया नर्तकी है, ज्ञानी उसको नचा रहा है। और ब्रह्म दृष्टि से देखो तो समझे निर्जा।